जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद ज़ीशान हैदर है, मैं काउंटी स्टार का वाइस कैप्टन हूँ। तो मैं इस अदारे से तकरीबन 8 साल हो गए हैं इस अदारे से मुंसलिक हूँ। ये इन्वर्टी पुल के करीब हमारा ये सेटअप बना हुआ है, माशाल्लाह हमारी विकेट्स हैं, मैं आपको विकेट्स दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन इससे पहले हम यहाँ साथ अंदर प्रैक्टिस किया करते थे, तो लेकिन उसके बाद ये जगह हमें अलाउड हुई। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है तारिक जावेद साहब, उन्होंने माशाल्लाह इस जगह पे बहुत मेहनत की और उन्होंने माशाल्लाह यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नंदीपुर से मिट्टी बनवा के ये विकेट्स बनवाई हैं। ये प्रॉपर विकेट्स हैं, आप इन पर स्पाइस भी यूज़ कर सकते हैं, आप मतलब यहाँ पे रीजन के कैंप्स भी लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ मार्बल की विकेट्स हैं, इसका अलग नेट बना हुआ है। ये एक सीमेंट विकेट बनाई है, एक ये सीमेंट विकेट बनाई हुई है, ठीक है। फिर नॉकिंग के लिए ये छोटा सा एक जगह दी हुई है। इस तरह ही उन्होंने ये यहाँ पे, ये आप जिस तरफ कैमरा मैन दिखा सके ज़रा, कि ये पवेलियन बनाया हुआ प्लेयर्स के बैठने के लिए। ये एक छोटा सा कमरा जिम के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड मैन रहता है, साथ जिम के लिए छोटी जगह, प्लेयर यहाँ पे जिम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं। अपने तौर पर इन्होंने जो किया, इन्होंने अपने तौर पर अपनी समझे किसी से कोई हेल्प नहीं ली। तो बच्चे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ से मतलब निकले हैं। इस टाइम हमारे क्लब का प्लेयर वकास, जो कि अंडर 19 की नुमाइंदगी कर रहा है, वनडे का कैप्टन भी है अंडर 19 का, तो अंडर 16 उससे पहले खेल गया है, बांग्लादेश का टूर कर गया है। तो फिर यहाँ पर आसफ अली यहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा, तो और हमारे क्लब के कप्तान अबरार साहब, वो भी रीजन की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद उनको चांस नहीं मिल सका और रीजन बंद हो गई, और सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वो खेल चुके हैं। स्नैन अलग ब्रेकर, वो भी सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेल चुका है। तो और वैसे भी ये काउंटी स्टार क्लब जो है तकरीबन फैसलाबाद के तमाम टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, फाइनल्स तक टीम क्वालिफाई करती है। तो ये सब प्रेजिडेंट तारिक जावेद साहब की मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ, ये जो उन्होंने हमें प्रैक्टिस का माहौल जाती है, ग्राउंड शॉट्स की प्रैक्टिस की जाती है। तो आए मैं अब आपको ना एक और इनका पार्ट, इस क्लब का हिस्सा दिखाता हूँ। हाँ, तो ये सेंटर में, बिल्कुल ग्राउंड के सेंटर पे ये विकेट बनाई हुई है। इस विकेट का मकसद ये है कि बच्चों को ग्राउंड शॉट की प्रैक्टिस, ठीक है, दायरे के अंदर सर्कल के अंदर सिंगल कैसे करनी है, ठीक है, सर्कल में फील्डर ने सिंगल सेव कैसे करनी है, ठीक है, इस विकेट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। स्पेशल ये विकेट इस मकसद के लिए बनाई गई है क्योंकि नेट में हम बैटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बॉलिंग की हो जाती है, लेकिन सर्कल के अंदर आजकल जो मेन चीज़ है कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करना बैट्समैन को।